Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4. I hope you all will be fine. We already done the reading of The Hummingbird Who Chewed Bubblegum and workbook page number 2 and 3. Today we are going to answer the questions, workbook page number 4 and 5. So for this, mention your written day here. Answer the questions. The question number 1 is, but all the twigs and straw were blown away by last week's storm, said the little hummingbird in a sad voice. Why was the bird sad? ठीक है, जितने भी ट्विग्स एंड स्ट्रॉ थे वो लास्ट वीक के जो स्टॉर्म थे उसमें वो उड़ गए या डिस्ट्रॉय हो गए. एंड किसने कहा? ये हमिंग बर्ड ने कहा बड़ी सैड ही वॉइस में. और बर्ड क्यों सैड था? द आंसर इज़ बिकॉज द बर्ड हैड नथिंग टू बिल्ड हर नेस्ट, क्योंकि अब उसके पास उसका नेस्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. हियर्स द सेकेंड क्वेश्चन. व्हेन द बर्ड आस्क फॉर बबल गम द गर्ल वॉज डैश एंड डैश. क्लू: टू डिफरेंट फीलिंग्स. फीलिंग्स लिखनी है आपने. जब बर्ड ने बबल गम के लिए कहा तो गर्ल कैसे कि क्या फीलिंग थी? तो शी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, बहुत हैरान भी हुई और खुश भी हुई. द गर्ल वॉज अनॉयड व्हेन द बर्ड आस्क फॉर मोर बबल गम ऑन द सेकेंड डे. ट्रू और फॉल? ओके जी, गर्ल जो थी वो नाराज़ हुई थी जब हमिंग बर्ड ने सेकेंड डे अगेन बबल गम का कहा, तो नहीं, वो नाराज नहीं हुई थी. सो आंसर इज फॉल्स. हमिंग बर्ड चीव्ड 4 रेड बबल गम एंड 7 ऑरेंज बबल गम. शी ऑल्सो एट 8 ब्लू बबल गम एंड 3 बिग बबल गम ऑफ वाइट कलर. बट शी थ्रू अवे रेड बबल गम्स. हाउ मेनी बबल गम द बर्ड हैड ऑल टुगेदर एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट? ठीक है, सो ये हमने सॉल्व करना है यहाँ पे. फॉर दिस यू हैव टू राइट द ऑप्शंस हियर. क्या क्या बताया गया है? रेड 4 बबल गम कितनी थी? रेड. ऑरेंज 7, ब्लू 8, वाइट 3. सो नाउ ऑल टुगेदर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर इज 22. शी थ्रू अवे 4 एंड हाउ मैनी लेफ्ट? 18 आर लेफ्ट. ओके, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस. डिड द गर्ल लाइक द कंपनी ऑफ द लिटिल बर्ड? क्या वो जो गर्ल थी वो लिटिल बर्ड की कंपनी को एंजॉय कर रही थी, उसे पसंद आ रहा था? हाउ कैन यू टेल? आप कैसे कह सकते हैं? गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर. आपने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देनी है. येस, बिकॉज शी फेल्ट द एब्सेंस ऑफ दैट बर्ड एंड एंजॉयड हर सॉन्ग. जी, क्योंकि वो उसकी एब्सेंस में उसकी कमी को फील करती थी और उसका सॉन्ग एंजॉय करती थी. क्वेश्चन पेज नंबर 5. मेंशन योर रिटन डे अगेन. There was something unusual about the nest that the girl saw. What was it? क्या जो girl ने nest देखा तो उसमें कुछ unusual था, वो क्या था? Answer is the nest was made up of bubble gum. Yes, unusual क्या था कि वो जो nest था वो किससे बनाया गया था? Bubble gum से बनाया गया था. Can you create new and unusual uses of bubble gum? क्या आप bubble gum के कुछ uses बता सकते हैं? Fill cracks and holes. किसी भी क्रैक या हॉल को फिल करने की कभी काम आ सकती है. मेक ब्यूटीफुल गम आर्ट. गम आर्ट भी बनाया जा सकता है. एंड फिक्स लीकेज, और कहीं की लीकेज हो तो उसको फिक्स करने के लिए भी बबल गम यूज़ की जा सकती है. ठीक है, अगर आपके भी माइंड में कोई हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड राइट योर ऑन आंसर हियर. लेबल एंड कलर द हमिंग बर्ड. ये हमिंग बर्ड की पिक्चर है, और आप अगर सर्च करें तो नाउअडेज यूज़ द मोबाइल फ़ोन्स एंड मीडिया, तो अगर आप यूज़ करें उसमें चेक करेंगे तो हमिंग बर्ड की बहुत ही कलरफुल, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी. ठीक है, अच्छा, ओके जी. लेबल एंड कलर द हमिंग बर्ड. मेटालिक ग्रीन हेड, स्मॉल फॉग टेल, पेल चेस्ट एंड बैली, लॉन्ग बिल, ब्राइट रेड थ्रॉट. अब ये उन्होंने इनके नेम्स दिए हैं कि बॉडी पार्ट्स के, और उसको हमने यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. ओके जी, मेटालिक हेड यहाँ पे एरो दिया गया है, तो ये क्या लिखेंगे हमें? मेटालिक ग्रीन हेड, और आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स भी करने हैं. लॉन्ग बिल, इसकी ये जो बिल चोंच है उसको बिल कहा गया है. ब्राइट रेड थ्रॉट, जो इसका थ्रॉट है वो ब्राइट रेड कलर का होता है. पेल चेस्ट एंड बैली, पेल ये होती है चेस्ट एंड बैली, एंड स्मॉल फॉग टेल, और ये उसकी स्मॉल फॉग टेल है. ठीक है, तो इसको कलर कीजिए और अपना नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम कीजिए, एंड आफ्टर दैट सेंड मी. Okay, take care, Allah Hafiz.